नमस्कार व्यूअर्स, आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज एक और इम्पॉर्टेंट विषय में आप सबके लिए वार्ता लेकर आया हूँ। आज का विषय है देवगुरु बृहस्पति। यदि आपके हॉरोस्कोप में जन्म कुंडली में अशुभ है और खराब फल दे रहा है, तो ऐसा क्या ज्योतिषीय एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं जिसको करने से जुपिटर यानी कि देव गुरु बृहस्पति हमारा स्ट्रांग होता है और हमें जीवन में सुख समृद्धि शांति और उन्नति मिलती है। मैं बता दूं व्यूअर्स, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। बृहस्पति इंसान की ज़िंदगी में बहुत गहरा असर छोड़ता है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो तो परेशानियां बढ़ती चली जाती है, क्योंकि किसी भी चीज़ को बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट विशाल रूप दे देता है। ज्योतिष शास्त्र के अंदर जुपिटर का जो रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छी विवाह के लिए, जीवन में सक्सेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, चिल्ड्रंस का सुख मिलना, कम उम्र में शादी होना, फाइनेंस, पैसा घर में आते रहना, उन्नति करना, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होना, हैप्पीनेस, कितना एक व्यक्ति अपने जीवन में सक्सेस पाएगा, इन सब का नापतोल बृहस्पति को देखकर ही किया जाता है। अगर बृहस्पति खराब है तो मित्रों, जो मैं उपाय बता रहा हूँ उनका पालन करने का कोशिश करिएगा, कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। व्यूअर्स, देव गुरु बृहस्पति 11 अक्टूबर 2018 को तुला राशि से यात्रा करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 13 महीना अपने मित्र मंगल के घर रहेगा। इस दौरान जिनके बृहस्पति कुंडली में अच्छे जगह प्लेस्ड है उनको बहुत सुख और समृद्धि मिलेगी, और जिनका प्लेस्ड नहीं है, जिनकी डिग्री जुपिटर की कमज़ोर है और पाप ग्रह से दृष्टि पा रहे हैं, उनको उनका नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। जो उपाय मैं बता रहा हूँ उसको करने से काफ़ी राहत, काफ़ी आराम और काफ़ी टाइम जो है अच्छा देखने को मिलेगा। मित्रों, बृहस्पति अपने स्थान से 5वें भाव को दृष्टि देता है और 9वें भाव को दृष्टि देता है। पुराने एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, जातक परिजात, फल दीपिका जो बहुत साल पहले लिखे गए हैं, कहते हैं कि जुपिटर जहाँ बैठता है, बृहस्पति जहाँ विराजमान होता है, उस स्थान का वो नाश करता है, लेकिन जहाँ देखता है वहाँ वो आबाद कर देता है। उपाय बताने से पहले बता दूं, आखिर बृहस्पति है कौन, ये क्या है इसका प्रभाव। मित्रों, नव ग्रहों में बृहस्पति को गुरु और मंत्रणा का कारक माना जाता है। बृहस्पति का रंग पीला है, जो धन और ज्ञान से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता है। सोना, तिजोरी, धर्म, कानून, मंत्र और संस्कार बृहस्पति के अधीन हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हमारा
पाचन तंत्र, पेट और उम्र की सीमा से भी देवगुरु बृहस्पति का घनिष्ठ संबंध है। बृहस्पति के कारण ही मोटापा घटता और बढ़ता रहता है। पांच तत्वों में आकाश तत्व का अधिपति है बृहस्पति। बृहस्पति का प्रभाव बहुत बड़ा और विराट होता है। महिलाओं के विवाह की पूरी जिम्मेदारी बृहस्पति से ही तय होती है। जिन महिलाओं की जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे जगह विराजमान होता है, पाप ग्रहों से दृष्ट नहीं होता है, उनका बहुत अच्छे घर में विवाह कम उम्र में हो जाता है और विवाह में बहुत सुख शांति प्रॉस्पेरिटी रहती है। और जिन महिलाओं का बृहस्पति खराब होता है, उन्हें विवाह में बहुत देरी या विवाह का ना होना या विवाह होने के बाद भी बहुत भारी मात्रा में अशांति देखने को मिलता है। आगे मित्रों मैं बता दूं, हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है, सुंदर दिखना चाहता है, लेकिन कुंडली में कमजोर बृहस्पति आपके सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब है तो याद रखना, अचानक आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा और आप मोटापे के शिकार हो जाएंगे। ये इंडिकेट करता है बृहस्पति की पोजीशन कमज़ोर है, पाप ग्रहों से दृष्टि पा रहा है। आपको बृहस्पति का उपाय पूरे जीवन भर करना पड़ेगा, वरना यह ग्रह आपको बहुत तकलीफ शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से देगी। अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि गुरुजी बृहस्पति का मोटापा से क्या संबंध है। मैं बता दूं व्यूअर्स, शरीर में जितनी भी फैट है उसको इकट्ठा करने की क्षमता बृहस्पति के पास होती है। लग्न या लग्न के स्वामी पर बृहस्पति का असर हो तो बढ़ता है मोटापा। बृहस्पति कमज़ोर हो तो खाने की गलत आदत व्यक्ति को लग जाती है और मोटापा बढ़ता है। लग्न के आसपास भी बृहस्पति अगर है तो अनुवांशिक कारणों से मोटापा बढ़ता है। मित्रों, बृहस्पति पर अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो बीमारी से मोटापा बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा, प्राचीन ज्योतिषीय ग्रंथ भृगु संहिता, चिंतामणि चमत्कार, फल दीपिका, जातक परिजात एवं अन्य कई बहुत साल पहले लिखे गए, बिल्कुल साफ इस बात को इंडिकेट किया गया है कि हमारे हेल्थ का बहुत घनिष्ठ संबंध जुपिटर प्लैनेट यानी कि बृहस्पति से है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग येलो सफायर या वाइट सफायर पहनते हैं अपने हाथ में। मित्रों, ये भी एक सवाल अक्सर मुझे एस्ट्रोलॉजी में मेरे पूछने वाले पूछते हैं कि बृहस्पति का पाचन तंत्र से क्या संबंध है। मैं बता दूं मित्रों, हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव प्रोसेस है उस पर पूरा कंट्रोल देव गुरु बृहस्पति यानी कि जुपिटर प्लैनेट का है। बृहस्पति कमज़ोर हो तो इंसान का पाचन तंत्र
कमजोर हो जाता है। जल्दीबाजी में भोजन के कारण पाचन क्रिया बिगड़ जाती है। दिनचर्या नियमित ना हो तो पाचन तंत्र पर बुरा असर पड़ता है। हाइपर एसिडिटी और कमजोर पाचन शक्ति का सबसे बड़ा कारण एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर प्लैनेट बृहस्पति ही है। मित्रों, मैं आपको ये भी बता दूं, ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या बृहस्पति जुपिटर प्लैनेट कैंसर जैसा लाइलाज रोग भी दे सकता है। अगर आप एज एन एस्ट्रोलॉजर मुझे पूछें, इतना लंबा अनुभव रहा मेरा एज एन हॉबी, बिल्कुल सही सवाल है। जुपिटर यदि कुंडली में सही नहीं है तो कैंसर जैसी बीमारियां भी ये दे सकता है। बृहस्पति किसी भी चीज को बड़ा और विशाल बना देता है। अक्सर कुंडली के जिस भाव में बृहस्पति रहता है उसे वो खराब कर देता है। शरीर के जिस हिस्से में बृहस्पति हो उसमें मित्रों लंबी बीमारियां होती है। कैंसर जैसे बड़े और लाइलाज रोग भी बृहस्पति ही देता है। कभी कभी इसका समाधान भी नामुमकिन सा लगता है। इसीलिए बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हमें अपने खान पान को बहुत सोच समझ के करना चाहिए। कोई व्यक्ति जल्दी खा रहा है तो इसका मतलब उसका बृहस्पति खराब है। भगवान शिव का बहुत सीरियसली आराधना करना चाहिए। हमें अपने गुरु, अपने टीचर, अपने मेंटर, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, ताकि हमें जीवन में सुख मिले और आने वाले जन्म में भी सुख मिले। हमें कभी कभी महीनों में एक बार गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। मित्रों, ये तो मैंने एक जनरल बृहस्पति के बारे में आपको बताया। जैसे कि मैंने कहा, 11 अक्टूबर 2018 देवगुरु बृहस्पति तुला राशि से यात्रा करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में ये लगभग यहाँ पर 13 महीना वृश्चिक में रहेंगे। जुपिटर नॉलेज, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट है। पॉजिटिव साइड में सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, मैरिज, हैप्पीनेस का प्लैनेट है। चिल्ड्रंस नहीं हो रहे हैं, चिल्ड्रंस भी इससे देखा जाता है। फाइनेंस, नेम, फेम, हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका। मित्रों, मैं कैसे गुरु को खुश किया जाए, देव गुरु को, एक आपको उपाय बता रहा हूँ जिससे आपको लाभ पहुँचे। देव गुरु को खुश करने के लिए गरीबों को पीली वस्तुएं दान करें, लोगों को पुस्तकें दान करें, पीले फूलों को घर में लगाएं, केले के पेड़ में हल्दी युक्त जल समर्पित करें, जुपिटर प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दान करें। आखिर किस चीज़ का दान करें? गोल्ड का दान करें, पुखराज जेमस्टोन का दान करें, रूबी जेमस्टोन का दान करें, चना का दान करें, नमक का दान करें, हल्दी का दान करें, पीले चावल का दान करें, पीले फूल और पीले लड्डू का दान करें। ये आपको वीरवार की शाम को करना चाहिए। इससे आपको बृहस्पति का काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग्स मिलेगा, क्योंकि अगर बृहस्पति नाराज है, खराब गुरु है, तो पेट में सूजन की शिकायत
एक इंडिकेशन है। कमज़ोर बृहस्पति होगा, पूजा पाठ आध्यात्मिक मालिक ईश्वर को बिल्कुल याद नहीं करेगा वो। सांसारिक भोग विलास में व्यक्ति इतना डूब जाएगा, उसे और कुछ नज़र नहीं आएगा कि कोई शक्ति भी है, कोई पावर है जो संसार में कंट्रोल कर रही है हर चीज़ें, कोई पावर ही है जो हमें बुलवाती है, हमें मिलवाती है, सक्सेस स्टोरी लिखवाती है। गुरु के कारण कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स होती है, शुगर की प्रॉब्लम्स होती है। गुरु खराब होने से लोग ज़्यादा खाते हैं और आँख बंद करके खाना शुरू कर देते हैं, ये गुरु के कारण ही होता है। आपका जुपिटर खराब होते ही बिना सोचे समझे व्यक्ति खाएगा और हेल्थ खराब होगा। अगर जुपिटर खराब है तो किसी भी लव में डिवाइन नज़र नहीं आएगा, वो राक्षसी किस्म का व्यक्ति होगा। यहीं विवाह टूटने का डर हो जाता है। गुरु अच्छा है तो बहुत धार्मिक और उसके प्रेम में डिविनिटी दिव्यता नज़र आएगी। गुरु खराब है, हर जगह लोग षड्यंत्र करेंगे, प्रोग्रेस नहीं करने देंगे, हैप्पीनेस दूर रहेगी। अच्छा गुरु, गुड जुपिटर व्यक्ति को अच्छा प्रोफेसर, अच्छा टीचर, बहुत बड़ा वकील, बहुत बड़ा जज, पंडित, पत्रकार, प्रखंड विद्वान, ज्योतिषाचार्य, सुनार, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उच्च कोटि का धार्मिक चिंतन करवाता है, बहुत बड़ा राजनीतिक पद, बहुत अच्छे संतान शिष्य मिलाता है। यदि कमज़ोर है तो कुछ चीज़ें नहीं देगा, न तीर्थ यात्रा करने देगा, न सत्संग करने देगा, न माता पिता बुज़ुर्गों विद्वानों गुरुओं का सेवा करने देगा, सिर्फ अभिशाप ही दिलवाएगा। मित्रों, गुरु ज्योतिष के नवग्रह में सबसे अधिक शुभ ग्रह भी माना जाता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका बृहस्पति स्ट्रांग है। यानी कि अगर बृहस्पति आपका स्ट्रांग नहीं है और आप उपाय नहीं लेंगे तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप कहीं ना कहीं पिछड़ जाओगे। कुंडली में गुरु मजबूत है, सफलता आपके कदम चूमेगी। सब कुछ सकारात्मक सोचोगे, बहुत पॉजिटिव हो जाओगे, दुख भी आएगा तो भी उसको पॉजिटिव पावर से संभाल लोगे। गुरु अच्छे पोजीशन में होगा तो आप बहुत पॉजिटिव आशावादी विचारों के व्यक्ति होगे, कोई नेगेटिव बात नहीं करोगे। निराशा तो जीवन को छू ही नहीं पाएगी। अगर इसके विपरीत अगर गुरु कमजोर हुआ, घर में पैसे की तंगी, हेल्थ खराब, मैरिज में झगड़े लड़ाई अशांति, लोग गंदी आदतें पालेंगे, नशा करेंगे, पति पत्नी मुन मिटाव, बच्चे नहीं सुनेंगे आपको घर में, जल्दी नौकरी नहीं लगेगी, कोई बिजनेस करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा, पूजा पाठ मालिक के इबादत में मन नहीं लगेगा, सुप्रीम पावर को मानने की चेष्टा नहीं करोगे। मित्रों, ये सारे इंडिकेट करता है कि गुरु के उपाय करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये तो मित्रों गुरु के उपाय थे। आशा करता हूँ इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत प्राचीन टेक्स्ट है जिसे लाल किताब कहते हैं, उसके कुछ उपाय बताए गए हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में, घर में, फैमिली में परिस्थिति में बहुत अनिष्ट हुआ है, अच्छा टाइम आ ही नहीं रहा, तो मैं निम्न उपाय बता रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में यह ग्रह बहुत कमज़ोर है जिसके कारण आपको नौकरी में उन्नति नहीं मिली, मैरिज में अच्छा सुख शांति नहीं मिला, फाइनेंशियल गेन्स नहीं हुए, बीमारियाँ परेशान कर रही है, तो निम्न उपाय बहुत प्राचीन एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट लाल किताब में बताए गए हैं, मैं आपके कल्याण के लिए बता रहा हूँ। आशा करता हूँ इससे आपको लाभ मिलेगा। यदि मित्रों किसी के कुंडली में सूर्य खराब है और कमज़ोर है तो लाल किताब कहती है
बहते पानी में उसे गुड़ बहा देना चाहिए। चंद्रमा यदि कमजोर है तो लाल किताब कहती है रात को सोते समय दूध या पानी से भरा हुआ बर्तन अपने तकिए के पास रखें और सुबह उठकर उसे पीपल या केले के पेड़ में डाल दें। यदि मंगल खराब है तो लाल किताब कहती है बहते पानी में रेवड़ियां प्रभावित करें। अगर बुध मरकरी प्लैनेट खराब है तांबे के सिक्कों में छेद करके पानी में प्रभावित कर बहा दें। अगर देवगुरु बृहस्पति खराब है केसर का सेवन करें और केसर का टीका अपने माथे में लगाकर हमेशा बाहर जाएं। शुक्र खराब है तो गौशाला में चारा दान करें। शनि खराब है जिस कारण दुख देखना पड़ रहा है तेल में अपनी छाया देखकर यथाशक्ति दान करें। अगर राहु खराब है आपकी जन्म कुंडली में दुख आ रहा है तो लाल किताब कहती है मूली दान करें या फिर बहते पानी में कोयला बहा दें। केतु खराब है कुत्तों को रोटी डालें। मित्रों ये तो थे कुछ उपाय इन जनरल नवग्रहों से फेवर प्राप्त करने का। आशा करता हूँ आप सबको मेरे इस वार्ता से कुछ लाभ मिलेगा। मित्रों फिर मिलेंगे एक और नए वार्ता के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय। थैंक यू।